है एंड मैं सर को माइक हैंड ओवर करता हूं हम सब लोगों की जोरदार आवाज तालियां और जोरदार आवाज के साथ में साउटिंग के साथ में कैलाश भट्ट सर नमस्कार सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारे रैंक अचीवर्स को सारे एनटीसी सीटीसी आईटीसी जीटीसी को मेरा नमस्कार अभी डायमंड भी इतने सारे हो गए हैं याद करना पड़ेगा नाम यश शशांक संजय हरीश शेट्टीगर राडी पटेल सर हरीश शेट्टीगर जी एंड हारमनी के कर्ता दर्ता दिल धड़कन सी एन पटेल सर आप सबको मेरा नमस्कार सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है जैसे सुबह 11 बजे देखा वैसे के वैसी एक चेहर खाली नहीं मिल रही है आप लोगों को सबको मेरी तरफ से वंस अगेन इम्पॉसिबल मतलब आप में तो पेशेंस तो बहुत ही है इतना तो ब्रू कर दिए कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री के लायक लोगों। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस वो आप में खूब है और आप एक दिन हंड्रेड एंड वन परसेंट डायमंड बनोगे ही बनोगे दोस्तों आज मैनेजमेंट के निखिल जी फ्यूचर बता दिए क्या है करके मतलब अपन नंबर वन है माई लाइफ में नंबर वन बनने मतलब वर्ल्ड में बनने वाले हैं फ्यूचर विशन बताए थे आलोक जी ने एग्रो के बारे में हारमनी का स्टैंडर्ड गुजरात का सेल्स क्या है करके बताया सब कुछ इन लोगों ने बताया है तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि माई लाइफ नंबर वन नंबर वन बोल रहे हैं नंबर वन क्यों है मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं सुनना चाहोगे एक्चुअली ये बिजनेस ना एक्साइटमेंट बिजनेस है जितना आपका एक्साइटमेंट रहेगा समझ लो उतना ही आपका रैंक बढ़ते जाएगा तो कभी भी एक्साइटमेंट इस बिजनेस में कम मत करना दोस्तों नंबर वन अपन क्यों है सबसे पहले अपना मैनेजमेंट एक इनोवेटिव मैनेजमेंट है मतलब इनोवेटिव इन टर्म्स कि भाई कोई भी चीज आज प्रोडक्ट्स वाइज चलो लो एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन न्यू स्टार इंडिया एग्रो ये सब देखोगे अपने खुद के ब्रांड है जब दुनिया को आयुष नाम मालूम नहीं था उस टाइम पे ही हम लोगों ने आयुष मार्क लेके आ गया था प्रोडक्ट पे उसके बाद ही उसके बाद ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष का मतलब उस टाइम पे ही बने थे तो उस टाइम पे उन्होंने आयुष आयुर्वेदा वगैरह सब लेके आया लेकिन उसके एक साल पहले ही हम लोगों ने आयुष मार्ग लेके आ गया था तो इस उस हिसाब से अपन इनोवेटिव हैं नेक्स्ट क्या है अपनी मास्टरी इन द सेंस देखोगे अपनी जो टीम है मेरे आर ले लो वीपी ले लो सी ले लो सीईओ ले लो इन टोटल लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आपको मालूम है सवा दो सौ साल है सवा दो सौ साल एक एक आदमी का टोटल एक्सपीरियंस अगर टोटल करोगे ना मोर देन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में एक एक आदमी का एक्सपीरियंस दस साल पंद्रह साल बीस साल वाला एक्सपीरियंस है नेक्स्ट क्यों हम नंबर वन है आज तक माय लाइफस्टाइल स्टाइल शुरू होकर नौ साल हुआ है नौ साल में आज तक मैनेजमेंट ने जो भी बोला है वो 101 टका किए हैं हर एक चीज जो कमिटमेंट हम लोगों ने दिया है वो चीज किए हैं नेक्स्ट रीजन क्या है जो गट्स यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे एलिमेंट्स हो या ऑन एंड ऑन हो कोई भी प्रोडक्ट हो देखो आज प्रोडक्ट लेके आना सब कुछ अपना ब्रांड है खुद का ब्रांड है अपनी खुद की रिसर्च टीम है और रिसर्च टीम में आप जानते होंगे कि भाई दस प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं दस प्रोडक्ट में आपको करोड़ों रुपया खर्चा होता है और उसमें से प्रोडक्ट जो पास होता है ना एक या दो ही होते हैं उसके अलावा मतलब बाकी के प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये करने के लिए बहुत बड़ा गर्ज चाहिए नहीं तो बाकी के लोग क्या करते हैं सौ रुपए में लिए दो सौ रुपए में बेचे वो काम करते हैं अपना वो नहीं है अपने खुद का ब्रांड है खुद के प्रोडक्ट्स है खुद के रिसर्च है इसलिए हम नंबर वन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स हम जो भी है आज जो भी अपना सिस्टम है फुल एथिकल सिस्टम है हम एथिक्स फॉलो करते हैं और उस हिसाब से ही चलते हैं अपना सिस्टम देखोगे कुछ भी देखोगे इसलिए हम नंबर वन है और नंबर वन क्यों है मालूम है अपना मैनेजमेंट जो है ना प्रोफेशनल कम इमोशनल मैनेजमेंट है प्रोफेशनल माने क्या मेरा एक रुपया आपको ज्यादा नहीं दूंगा मेरा एक रुपया आपको ज्यादा नहीं दूंगा लेकिन वक्त पड़ा तो बहुत कुछ मतलब कोरोना पीरियड में आप देखोगे करीबन अपने का, काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स का देहांत हुआ था उस टाइम पे मैनेजमेंट ने एक लाख रुपया अनाउंसमेंट किया करीबन 98 लोगों की डेथ हुई थी तो मैनेजमेंट ने 98 एट डिस्ट्रीब्यूट किया 98 फैमिलीज को मतलब जो अब जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मतलब जब चैलेंजेस दिक्कतें बढ़ी उस टाइम पे हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके एक इमोशनल वे में अपने परिवार को सपोर्ट की एक एक लाख रुपए से मानता हूँ एक एक लाख में जिंदगी नहीं चलती लेकिन एक लाख से टेम्पररी रिलीफ मिलता है वो टेम्पररी रिलीफ बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों नेटवर्क में तो बहुत लोग जुड़ते हैं बहुत लोग मतलब सपने लेके आते हैं सबको करोड़पति बनना पसंद है लखपति बनना है लेकिन मालूम है क्यों लोग फेल होते हैं मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बोलता हूं कहानी सुनोगे एक राजा राजा था। उस राजा ने क्या किया अपने तीन मिनिस्टर्स को बुलाया उस तीन मिनिस्टर्स को बुलाते ही उन तीन मिनिस्टर को एक एक थैली बड़ी थैली दिया बोले मेरे लिए फल लेके आओ तो वो तीनों मिनिस्टर गए फर्स्ट मिनिस्टर बोलता है राजा ने पहली बार मेरे को काम दिया है तो एकदम मस्त मस्त फल ले ले के आके एकदम अपनी थैली में डालते रहता है दूसरा आदमी क्या करता है अच्छा फल स्टार्टिंग तो अच्छे अच्छे फल लेके रखता है फिर देखता है राजा के पास वक्त का है जो एक -एक देखेंगे फिर सड़े सड़े फल भी जो भी मिलता है वो डालने लगा तीसरा आदमी क्या करता है मालूम है राजा के राजा तो एक एक फल देखने वाले नहीं है बाहर से देखने वाले हैं कि भाई बोरी कितनी बड़ी हुई है बस उसको रख के ही करने वाले हैं तो क्या करता है पूरे पत्ते वत्ते जो भी रहते हैं वो पत्ता वत्ता सब उस थैली में डाल देता है और शाम को राजा के पास तीनों आ जाते हैं तो राजा तीनों तेलियों को देखता तक नहीं है तीनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देता है बोलता है एक महीना अंदर ही रहो ये जो भी लेके आए उसके साथ जियो पहला आदमी तो बोलने की जरूरत ही नहीं मस्त फल लेके आया उसकी जिंदगी मस्त गई तीसरे आदमी का क्या हुआ तीसरे आदमी ने कुछ लेके नहीं आया पंद्रह दिन में दस दिन में उसकी डेथ हो गई सेकेंड बीच वाला मिनिस्टर का क्या हुआ कुछ दिन तो वो अच्छा था फिर वो बीमार पड़ गया तो ये अभी नेटवर्क एंगल में मैं लेके आता हूं इस चीज को तीसरे लोग कौन होते हैं मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आ जाते हैं भाई अपने लीडर्स को खुश करने के लिए मतलब मैं भी काम कर रहा हूं मैं भी काम कर रहा हूं बस ये जो काम कर रहे हो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ये तीनों लोगों को अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिली राइट और रॉन्ग तीनों लोगों को अपॉर्चुनिटी एक जैसी मिली लेकिन पहले ने उस मौके का सही फायदा उठाया और सही चीज किया तो वो पहले कुछ रोस में बैठे हैं राइट और रॉन्ग पहले रो में बैठे हैं दूसरे लीडर्स कौन है मतलब कुछ लोग टी वगैरह सब हैं जो स्टार्ट तो अच्छा किए हैं लेकिन मेरा पॉइंट यही है आप लोगों को रैंक मिला है आप टीम कोऑर्डिनेटर बने हो अगर आपको रैंक मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीडर बन गए हो क्योंकि आप नए हो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर और टी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग सिस्टम में नए हो रैंक मिल गया है जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है ना आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है कभी भी याद रख लेना लाइफ में जैसे जैसे आपका रैंक एक एक कदम करके बढ़ता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है तो आप आके रेस्पॉन्सिबल कुछ लोगों की जिंदगी में है तो वो जिम्मेदारियों से कभी भी मतलब ये नहीं कि मैं लीडर बन गया अभी मैं बैठ जाऊंगा नीचे फोन लगाऊंगा उन लोगों से बात करूंगा वो काम कभी नहीं करना ऑलवेज वर्क लाइक ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑलवेज वर्क लाइक इफ दिस इज द डे वन ऑफ योर इंडस्ट्री जैसे पहला दिन है वैसा ही काम करोगे तो मलिक के दे सकता हूं आप चार साल में जो रैंक आप चाहते हो वो रैंक मिलेगा वो याद रख लेना अगर आप नहीं लीडर बन जाते हो मतलब अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हो भाई खाली अपना फोन वगैरह तो आप भी वो दूसरे आदमी जैसे बन जाओगे और तीसरे रैंक तीसरा मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों बिजनेस आपका है ये बिजनेस आपका है आप दूसरों को खुश करने मत जाइएगा कि राजा बाहर से ही थैली देखेगा वो तो उसको क्या मालूम पड़ेगा बॉस राजा को कोई लेना देना ही नहीं है आप थैली में क्या लाए हो एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस है ये कोई स्कीम नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया ऑटोमेटिकली आपको पैसा हर हफ्ता मिलते रहेगा ये कोई स्कीम नहीं है आपको पैसे से ज्यादा आपका हार्डवर्क इस बिजनेस में चाहिए आपको हार्डवर्क देना है इस बिजनेस में आपको इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना है जुड़ना है इस सिस्टम के साथ जुड़ के आपके लीडर्स के साथ काम करना है तो आप जीतोगे इस लाइफ में नहीं ये सोचोगे कि नहीं मैं मैं तो लीडर्स के लिए कर रहा हूं मेरे अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहा हूं अगर ऐसी सोच है तो मैं ये बोलूंगा कि आज से ही ये बिजनेस बंद करना क्योंकि लीडर्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो और अपने आप के लिए जो काम करते हो तो जिम्मेदारी जितनी है आपकी जीतोगे तो आप ही कारण बनोगे हारोगे तो आप ही कारण बनोगे समझ रहे हो देखो ये बिजनेस आके बहुत सिंपल बिजनेस है यहां आके ना इंटेलिजेंस का काम ही नहीं है मतलब जो आदमी मतलब अपने दिमाग का यूज़ मत करो इस बिजनेस में सबसे बड़ा उसूल है ये दिमाग का काम ही नहीं है आप आके बस एक ही एक चीज है सरेंडरशिप में काम करो जो आपके अपलाइन बोलते हैं वैसे वैसे काम करो दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ इंटेलिजेंस दिस इज द बिजनेस ऑफ सरेंडरशिप ए अगर सरेंडरशिप में अगर समझ गए इस बिजनेस को मैं आपको लिख के दे सकता हूं आप इस बिजनेस में जीतोगे ही जीतोगे जैसे आप अपने अपलाइन बोलते हैं जैसे आप सिस्टम में इन्वॉल्व होते हो वैसा एक एक मतलब बिजनेस करते जाओ फाइनली मैं आपको मैं एक्सपीरियंस का टोटल सार एक चीज आपको बोलूंगा अगर आपको लाइफ में अगर जीतना है इस इंडस्ट्री के अंदर मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री में ये गोल्डन पीरियड क्यों है क्योंकि देखो कोरोना के टाइम पे खाली करीबन दो साल कोरोना चला इस कोरोना पीरियड में आप विश्वास करो पैंतीस हजार रैंक अचीवर क्रिएट हुए थर्टी फाइव थाउजेंड रैंक अचीवर्स तो समझ लो इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है ये आने वाला कल है ये इनोवेशन है ये आने वाला कल है जैसे बाकी के लोगों ने बोला इस इंडस्ट्री के साथ चार पांच साल आप रुक गए ना मैं लिख के दे सकता हूं आप एक ऐसे लेवल पे रहोगे जो लेवल आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी उस लेवल पे आप रहोगे बस आपको इस बिजनेस के इस सिस्टम में आपको टिकना है टिकोगे बस आपको एक ही है जो आपके अप्लाइन बोलते हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते रहो ये आके मैं बोलता हूं ये बिजनेस में हो यू शुड फील प्राइड आप आके अपने आप को गर्व से बोलना चाहिए कि आई एम ए नेटवर्क मार्केटर आई एम ए डायरेक्ट सेलर ये प्राइड आपको ये बिजनेस देगा आज नहीं कल देगा हंड्रेड एंड वन परसेंट क्योंकि सिस्टम बन रहे हैं गाइडलाइंस बन रही है सब कुछ है बस आपको दिखाना है पेशेंस बहुत लोग आके काम कर रहे हैं करके मतलब अपने तरीके से मतलब एक छोटी सी एक कहानी है एक आदमी खड्डा खोदते रहता है दूसरा आदमी बाजू में खड्डा बंद करते रहता है तो एक आदमी जाते रहता है वो देखता है ये क्या कर रहा है एक आदमी खड्डा खोद रहा है एक आदमी खड्ढा बंद कर रहा है तो जाते वाला आदमी बोलता है क्या कर रहा है नहीं नहीं हम काम कर रहे हैं मेरा काम है खड्डा खोदने का वो एक बीच में एक आदमी आता है जो पौधा लगाता है वो नहीं आया लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं समझ रहे हो मतलब पौधा लगाने वाला है नहीं और वो खड्डा खोदने वाला खोद रहा है बंद करने वाला बंद कर रहा है और बीच पौधा जो काम होना है ऐसा काम अपने को नहीं करना है कि मैं भी काम कर रहा हूं काम ऐसा करो जहां कल दिखे आपको फ्यूचर दिखे उस वैसा काम करो तो 101 एंड परसेंट आप लाइफ में जीतोगे नहीं आप आगे ऐसे ही खाली काम के लिए काम करोगे तो देखो 100 परसेंट आपका फुल कॉन्फिडेंस बिलीफ रहेगा तब भी आपका काम होगा प्रोग्रेसिव काम होना चाहिए काम में जब प्रोग्रेस नहीं दिखता है इट मींस यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए रॉन्ग पाथ तो वो प्रोग्रेस आपको दिखना ही चाहिए आज टोटल सिस्टम देखो आज सही कंपनी है सही सिस्टम आपके पास हार्मनी जैसा सिस्टम है हारने का एक रीजन भी नहीं है लाइफ में क्या है कभी कभी कुछ लोगों को अच्छी कंपनी मिल जाती है अच्छी टीम नहीं मिलती है लेकिन आप लोगों को यहाँ पे दोनों मिल गया है मैं इसलिए हमेशा माई लाइफ का मतलब एम फॉर मैनेजमेंट आई फॉर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप मैं और आप हम दोनों मिलते हैं तो यम आई बनता है यही मेरा मतलब हमेशा रहता है आप लोगों को मैं एक ही चीज बचाने से पहले टोटल चीजों का मतलब मेरी पॉलिसी एक ही है अगर लाइफ में जीतना है तो जो वर्ड्स यानी कि डब्ल्यू फॉर वर्ड्स ए फॉर एक्शन यानी कि जो बोलते हो जो काम करते हो जो इंटेंशन यानी कि इरादा रखते हो और थॉट्स, जो सोच रखते हो ये चारों अगर मैच हो गया ना हंड्रेड एंड वन परसेंट आप एक डायमंड बनोगे अगर आपकी सोच आपका इरादा या आपका एक्शन कहीं पे भी ऐसे वैसे रहा तो 101 एंड वन परसेंट मैं लिख के दे सकता हूँ आप लाइफ में जीत नहीं सकते हो ये चारों को अपने काबू में रखो जो काम कर रहे हो जो छोच रखे हो जो इरादा रखे हो तो 101 एंड वन परसेंट आप डायमंड बनोगे ही बनोगे थैंक यू जय जय माई लाइफ दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कैलाश सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए